नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमिन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 5 करवाने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको पार्ट 4 तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा हर एक सवाल बारीकी से, क्योंकि मैं आपको आप ही का बुक्स का पूरा सोल्यूशन में करवा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको पार्ट 5 करवाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट सवाल ही है, और कल इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है जो कि सिर्फ मैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, तो कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन के साथ। आज हमने 3 क्वेश्चन लेकर चला है, जिसमें से 2 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और जो 3rd नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, बट वो भी मैं आपको बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ अपने वीडियो के साथ। तो पहले मैं आपको पूरा मैथ दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हो, मेरा वीडियो को मैथ का अगर वीडियो को आप देखते हो, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मैथ का बुक लेकर बैठिए। ठीक है फ्रेंड, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए कि आपका ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि हाशिमा बीवी ने 2 हस्तकलाओं में से प्रत्येक को 1248 रुपये में बेचा। ठीक है, पर पहले पर क्या हुआ कि 4% का लाभ और दूसरे पर जो है 4% की हानि होती है। तो पूछा जा रहा है आपसे क्या कि उन्हें कुल कितना लाभ या हानि हुआ। समझ में आ गया, मतलब ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे मतलब इन्होंने 2 ठो हस्तकलाओं बनाए, 2 ठो इन्होंने हस्तकला निर्माण किया। ठीक है, हस्तकलाओं से कुछ निर्माण किया, उसमें से उन्होंने प्रत्येक को यानी दोनों को उन्होंने बिक्री किया कितना पे, तो 1248 रुपये में। तो अगर वो पहला पे बिक्री करते हैं तो पहला पे उनको है 4% का फ़ायदा होता है और दूसरा पर उनको जो है 4% की हानि होती है। तो टोटल उनको कितना लाभ या हानि हुआ, इसको आप अपने ऊपर लेकर चलिएगा फ्रेंड्स। कि मान लीजिए कि आपका कोई दुकान है, आप अपना अगर कुछ प्रोडक्शन करते हैं, मान लीजिए कि आप अपने हाथ से कुछ बना करके उसमें बिक्री करते हैं, तो आपको इतना का फ़ायदा या इतना का हानि हुआ, तो आपको टोटल कितना का फ़ायदा या कितना का हानि हुआ। ठीक है, चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि सवाल बने या कैसे। तो सबसे पहले सवाल में क्या दिया हुआ था, लाभ दिया हुआ था। तो चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर लाभ, सबसे पहले यहाँ पर ये लिखना है कि इसका दाम कितना है। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ कि प्रत्येक हस्तकलाओं का दाम, यानी कि प्रत्येक हस्तकलाओं का। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि बेचा, क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना को बेचा। बेचा मतलब क्या कि विक्रय मूल्य का बात कर रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि प्रथम हस्तकलाओं का सॉरी प्रत्येक हस्तकलाओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1248 रुपये। ठीक है, इतना रुपये होगा। अब प्रथम पे तो लाभ हो रहा है, तो प्रथम पे लाभ कितना का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 4% का। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रथम हस्तकला पर लाभ, यहाँ पे हो जाएगा पर, यहाँ पे हो जाएगा हस्तकला और यहाँ हो जाएगा प्रथम। ठीक है, अब यहाँ पे जब लाभ हो रहा है तो यहाँ पर प्रथम हस्तकला का क्रय मूल्य, अब देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है और यहाँ पर लाभ भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 100 बटा में होता है 100% लाभ हो गया 104, और गुना में क्या हो जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य, यही होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कितना है विक्रय मूल्य, तो 1248 रुपये दिया हुआ है। अब यहाँ से इसको काट देंगे, कितने बार में कटेगा, तो 12 बार में कट जाएगा, 12 चौके 48, यानी ये कट गया 12 बार में, यानी क्या हो जाएगा ये 1200 है ना, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपये में जब बिक्री किए तब उनको जो है 4% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, मतलब दाम कितना है 1200 रुपये है, एक्चुअल में दाम 1200 रुपये निकल कर के आया जहाँ पे वो बिक्री किए 1248 रुपये में। अब दूसरे पे अगर आते हैं तो दूसरा पे क्या हुआ, दूसरे पे उनको जो हानि हो रहा, यानी दूसरा हस्तकला पर हानि, अब दूसरे पर तो उनको हानि हो रहा ना, तो कितना का हानि हो रहा, तो 4% का हानि हो रहा। अब इस पर भी हम लोग निकाल लेते हैं कि दूसरा हस्तकला का क्रय मूल्य कि इसका जो है दाम कितना होगा, तो इनको हानि हुआ, जाहिर सी बात है कि दाम कम ही होगा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और नीचे में जब भी हानि होता है तो क्या करते हैं घटा देते हैं 100 से, तो क्या हो जाएगा 100 - 4 यानी कि 96, गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 1248 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 96 से इसको अगर भागा देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, तो ये हमारा कट जाएगा 13 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सॉल्व करके बगल में रखा था इसलिए मैंने मुझे पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा 1300 रुपये। अब देखिए यहाँ पर कि इसका दाम 1300 निकल करके आया और इसका दाम 1200 निकल करके आया, तभी यहाँ पे आपस में कुछ फ़ायदा या नुकसान हो रहा है ना। अब यहाँ पर क्या बोला गया आपसे कि कुल कितना का हानि या कुल कितना लाभ हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप एक चीज़, अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ दोनों का क्रय मूल्य को पहले जोड़ लेते हैं कि दोनों का जो दाम आया टोटल कितना दाम है, फिर दोनों को कितना में बिक्री किया गया, तभी तो बता पाएंगे ना कितना का लाभ या कितना का हानि हुआ। तब यहाँ पे लिखते हैं कुल क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, कुल क्रय मूल्य बराबर। तो पहला का दाम कितना निकल करके आया 1200 रुपये, दूसरा का कितना निकल करके आया तो 1300 रुपये, टोटल कितना हो गया 2500 रुपये। यानी कि दोनों हस्तकला का जो ओरिजिनल प्राइस है कितना दाम हो गया 2500 रुपये, और उसको जो है बिक्री किया जा रहा है कितना में, तो यहाँ से निकल जाएगा कुल विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 1248 प्लस 1248, क्योंकि दोनों का दाम सेम रखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2496 रुपये। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 2500 रुपये दाम है एक्चुअल में, लेकिन बिक्री कर रहे 2496 में, यानी जाहिर सा बात है कि नुकसान हुआ ना। अब कितना का हानि हुआ, तो 2500 में अगर हम घटाते हैं 2496 को तो कितना आएगा, तो जाहिर सा बात है कि 4 रुपया आएगा। तो 4 रुपये का जो है क्या हुआ, हानि हुआ है, समझ लीजिए। बहुत ईजी है, पहला आप दूसरा पे हानि हो गया, तो क्या किया दोनों पे तो दाम निकाल लिए, दोनों का दाम जोड़ दिए, तो हमको कुल दाम पता चलिए कि ओरिजिनल में इसका दाम कितना है दोनों हस्तकला का, और फिर दोनों को कितना में बिक्री किया गया उसको जोड़ लिए, तो पता चलिए कि इतना में इतना दाम था इसका और इसको बिक्री किया गया इतना में। तब यहाँ से पता चलिए हमको क्या कि कितना का हानि है कितना फ़ायदा हो रहा है, तो देखिए हानि ही हुआ इसमें। अब चलते हैं आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है ना फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, सॉरी यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है तो आप उसमें व्हाट्सएप से भी अच्छे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि करीम को मोहन के हाथ 4860 रुपये में फ़ोन बेच करके 19% की हानि हुई, ठीक है। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि करीम को मोहन के हाथ, मतलब कि करीम को मोहन के हाथ इतने रुपए में फ़ोन बिक्री कर दिया गया है, तो इतना का हानि हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पर फ़ोन बेचा, यदि उसी मूल्य पर करीम ने मोहन को बेचा होता तो उसे 17% का लाभ होता, तो मोहन को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आपको ये क्वेश्चन सुन करके थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा फ्रेंड्स कि क्या ये कैसा सवाल है, समझ में नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बारीकी से फिर से समझाता हूँ, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सवाल में यहाँ पहले ही बता रहा है कि करीम को मोहन के हाथ इतना रुपए में फ़ोन बेचा गया, ठीक है। मतलब कि फ़ोन जो है करीम को बिक्री किया जा रहा है किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। मतलब मोहन, अब देखिए इस सवाल को मैं आपको समझाता हूँ कि मोहन करीम को फ़ोन बिक्री करता है 4860 रुपये में, ठीक है। तब जाकर के क्या होता है, इस बेचारे को 19% का हानि हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया इतना लाइन। अब क्या बोल रहा है कि मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पर फ़ोन बेचा, यदि उसी मूल्य पर करीम ने मोहन को फ़ोन बेचा होता तो 17% का लाभ होता। अब यहाँ पर एक और कनेक्शन हो रहा क्या कि करीम को तो मोहन का हाथ बिक्री कर दिया गया है, अब यदि मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पर फ़ोन बेचा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोहन जो है रहीम को फ़ोन जिस दाम पे बिक्री कर रहा है, यदि उसी दाम पर अगर करीम जो है मोहन को बिक्री करता है तो 17% का लाभ होता। यानी क्या कि 4860 रुपये में जो ये बिक्री किया गया है, जाहिर सा बात है कि इससे और ज़्यादा इसमें बिक्री करता तब जा करके इसको इतना का लाभ बताया जा रहा है, डेटा है कि नहीं। तब पूछा जा रहा है कि मोहन को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो चलिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। पहले ये हो गया, अब यहाँ पे करना होगा क्या कि करीम ने फ़ोन को, अब देखिए कितना में बेचा सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, फिर यहाँ लिखना क्या कि करीम ने फ़ोन को 4860 रुपये में किसको बेचा, मोहन के पास बेचा, यानी कि फ़ोन बिक्री कर रहा है करीम, फ़ोन बिक्री कर रहा है मोहन को, ठीक है। मोहन बिक्री नहीं कर रहा करीम को, बल्कि करीम बिक्री कर रहा फ़ोन किसको, मोहन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये हो गया हमारा, यानी इसका मतलब क्या, बिक्री कर रहा मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, यही तो, क्योंकि बिक्री कर रहा मतलब क्या कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 4860 रुपये हो गया विक्रय मूल्य, और इस पर बेचारे को क्या हो जा रहा, हानि हो जा रहा है। कितना का हो जा रहा, तो 19% का हानि हो जा रहा। अब जब इतना का हानि हो गया तो यहाँ से निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। मैंने आपको जो पहले दिन जो फॉर्मूला बताया था, सब उसी फॉर्मूला के बेस पर सभी बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, नीचे में क्या होगा 100 माइनस हानि प्रतिशत,
कितना हो जाएगा, 100 में से जब 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 81 बचेगा। यहाँ पे 81 हो गया गुना 4860। काटते हैं, कटेगा कितने बार में देखते हैं, तो 6 बार में कटेगा, 6 एकम 6 और 6 8 48 यानी 860, यानी कितना दाम निकल करके आया, तो 86000। ठीक है, इतना दाम जो यहाँ से निकल करके आता है, सॉरी यहाँ पे 60 होगा ना, क्योंकि 6 बार में तो ये कट रहा थोड़ी ना, 8 बार में कट रहा, 6 बार में कट रहा, 60 बार में कट रहा, यानी यहाँ से क्या निकल करके आएगा हमारा 6000 रुपये। ठीक है, यानी दाम कितना हो गया इसको, यानी 6000 रुपये में इसको बिक्री करना चाहिए था एक्चुअल में, उससे कम में बिक्री किया तब जाकर के इसे इतना कहाँ नुकसान हो गया बेचारा को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा, अब करीम को 17% का फ़ायदा हो रहा, तो वो कैसे हो रहा उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अब क्या देखिए हो जाएगा कि करीम 17% लाभ में, यानी कि लाभ पर क्या कर रहा है, फ़ोन को जो है किसको बेच रहा है, तो फ़ोन को बिक्री कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ़ोन को बेचने पर, ठीक है, फ़ोन को बेचने पर करीम का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। मतलब देखिए यहाँ बोल रहा है कि अब करीम क्या कर रहा, कि यदि उसको 17% लाभ पर अगर बिक्री करता है तो उसको फ़ायदा होता ज़्यादा का, जाहिर सा बात है। तो 17% लाभ पर फ़ोन को बिक्री करने पर करीम का विक्रय मूल्य, तो यहाँ से इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा मेरा विक्रय मूल्य, यहाँ से क्रय मूल्य निकल चुका है 6000 रुपये, और लाभ कितना दिया, 17% दिया हुआ, तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल देंगे, कैसे निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लाभ हुआ तो 100 प्लस लाभ ऊपर में हो जाएगा 117, नीचे में 100, इसमें पलट जाता है केस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना 6000 है, यहाँ से ये कट गया 60 आ गया, इससे अगर हम गुना करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, तो 7020 रुपये निकल करके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा, अब यहाँ जो सवाल में बोला गया था कि मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पर फ़ोन बेचा उसी मूल्य पर करीम ने मोहन को बेचा होता, तो देखिए अब करीम जो बिक्री कर रहा, तो पता चल गया कि 7020 रुपये में करीम जो बिक्री कर रहा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया, देख लीजिए कि मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पर बेचा होता, यानी क्या यहाँ से समझ में आ रहा है कि मोहन जो है फ़ोन कितना में बिक्री कर रहा है रहीम को, तो 7020 रुपये में बिक्री कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ठीक कर ले लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मोहन ने उस फ़ोन को, कहने का मतलब तो यही हो रहा है ना कि मोहन ने उस फ़ोन को 7020 रुपये में बिक्री किया है ना, 7020 रुपये में रहीम को बिक्री किया, यानी कि रहीम को बेचा। ठीक है, रहीम को बिक्री कर दिया, तो यहाँ पे इसको फ़ायदा ही हुआ, फ़ायदा हुआ कितना, 17% का फ़ायदा हुआ ना, तो क्या हो जाएगा मोहन का लाभ। अब यहाँ पे देखिए लाभ यहाँ पे रुपया में कैसे निकल जाएगा, तो देखिए 7020 में बिक्री कर रहा, ठीक है, और एक्चुअल में उसका दाम कितना है, तो एक्चुअल में उसका दाम भी निकल चुका था 4860 रुपये, जो उसको एक्चुअल में पहले बिक्री किया गया था, और अभी जो उसको जो फ़ायदा पे बिक्री किया जा रहा है वो इतना हो जा रहा, तो उसको एक्चुअल का फ़ायदा कितना हुआ, तो उसको जो फ़ायदा हुआ है हमारा 2160 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसका मोहन का प्रतिशत लाभ, यानी इसको फ़ायदा हो रहा है इसलिए उसका हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, 2160 बटा में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4860, यानी कि विक्रय मूल्य पे हम लोग निकाल रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा 100%। ठीक है, अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 10 से ये कट गया, फिर उसको जब काटेंगे आपस में तो ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल करके आएगा 44.49% का लाभ हो रहा मोहन को। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फिरोज़ चाचा ने एक पैंट, ठीक है, एक पैंट 20% लाभ पर और एक शर्ट जो है 15% लाभ पर क्या किए, उन्होंने खरीदा, सॉरी बिक्री करके, ठीक है, बिक्री करके उनको जो 719.50 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है, मतलब इतना रुपये कमा दिए उन्होंने, अपने एक पैंट को 20% लाभ पर बिक्री किया और एक शर्ट को उन्होंने 15% लाभ पर बिक्री किया, तो उनको जाकर कितना कमाई हुआ, तो 7719 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, इतना कमाई हुआ। यदि उसी पैंट को अब यहाँ पे देखिए लाभ बढ़ा दे रहा कि लाभ बढ़ा करके 25% कर दिया है, और 15% जो शर्ट पे जो लाभ हो रहा था उस पे इन्होंने बढ़ा दिया 5% का, तब अगर बिक्री करते तो उनको जो है 350 रुपये ज़्यादा मिलता। तो पूछा जा रहा है कि इसका, इस पैंट और शर्ट का एक्चुअल दाम कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सवाल को मैं बनाऊंगा आपके लिए विलोपन विधि के तरीके से, जो कि बहुत ही आसान तरीका होगा, और मैंने तो आपको पहले से ही विलोपन विधि का तरीका सिखा दिया था। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको बना करके जल्दी से दिखाता हूँ, क्योंकि 14 मिनट पहले से ही जा चुका। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं दाम, पहले मान लेते हैं, यानी कि माना कि
एक पैंट का क्रय मूल्य, ठीक है, पहले दाम मान लेते हैं। तो मान लिए कि एक पैंट का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, और एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना हो गया, एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने, यानी कि उन्होंने कौन, फिरोज चाचा ने एक पैंट को, ठीक है, एक पैंट जो है वो 20% लाभ पर, और जो एक शर्ट है, ठीक है, और एक शर्ट 15% लाभ पर क्या कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। तो बेचने पर, ठीक है, जब उन्होंने, जब वो बिक्री कर रहे हैं, तो बिक्री करेंगे तो उसे क्या निकल कर आएगा, तो वहाँ से क्या निकल कर के आएगा, वहाँ से तो निकल कर के आएगा हमारा विक्रय मूल्य, जाहिर सी बात है, बिक्री करेंगे तो विक्रय मूल्य ही आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला है एक्चुअल में वो लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर लाभ होगा तो ऊपर में 100+ लाभ हो जाएगा 120, नीचे में 100, और यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हम लोग माने हैं, 100 माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 120 एक्स बाई बी 100 प्लस, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 115 y/100, ठीक है, याद रखिएगा, इतना रुपए हो गया। यहाँ से अगर हम इसका लसा पलेंगे तो क्या निकल कर के आएगा, तो 100, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120x + 115y हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया हमारा रुपया, इतना पे हो गया कि पहले का लाभ हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, पहले का काम हो गया। अब आते हैं दूसरा का निकाल लेते हैं, ठीक है, दूसरा पे हम लोग निकालते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं क्या, अब क्या हो गया कि पैंट का दाम, पैंट का जो प्रतिशत है, उनका मन में लालची आ गया और उन्होंने उनका प्रतिशत लाभ जो बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया कि अब पैंट जो है 25% लाभ पर, ठीक है, 25% लाभ पर, और जो शर्ट है, यानी कि एक शर्ट 20% लाभ पर वो बिक्री कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से लिखेंगे कि बेचने पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो जब बिक्री कर रहे हैं तो वहाँ से इनका विक्रय मूल्य क्या निकल कर के आ रहा, उसी प्रकार से सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 125x/100 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, शर्ट के लिए तो 120y/100, इतना रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लसा पर ले लेंगे तो 100 हो जाएगा नीचे में, यहाँ हो जाएगा हमारा 125x + 120y, और ये हो जाएगा इतना रुपया, ये तो हम लोग निकाल लिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, अब समीकरण बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। पहला का तो समीकरण हमारा ये बन गया, अब ये हो गया पहला पैंट और पहला शर्ट को बिक्री करने पर इतना उनको जो है कमाई हो रहा है, यानी इतना पे उन्होंने बिक्री कर रहे हैं। जब बिक्री कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस कितना दिया हुआ, 719.50 रुपया, इतना दिया हुआ प्राइस, लेकिन यहाँ पर जब सॉल्व किया तो इतना आया, मतलब क्या कि हमको इतना के बराबर करना पड़ेगा 719.50 रुपया, आए समझ में, तब यहाँ से हमारा ये शर्त बनेगा और फिर उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन, यानी कि पहली शर्त, ठीक है, क्योंकि ये सवाल बनेगा उसी प्रकार से, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120x + 115y, और बटा में क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 719.50 रुपया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, एक समीकरण बनेगा, तो 120x + 115y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 719.50, ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। उसी प्रकार से क्या बोला गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उसी प्रकार से क्या बोला गया था दूसरा शर्त में, कि यदि हम लोग प्रतिशत को जब बढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसे ही प्रतिशत को यहाँ पे क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, यहाँ पे हो जाएगा 120y, जैसे ही प्रतिशत को बढ़ा दिया गया, वैसे ही जो 719.50 रुपये जो पहले कमाए थे उसमें जो है उनका 30.5 रुपये का फ़ायदा हो गया, और तो उसमें जोड़ देंगे, उसी में जोड़ेंगे, थोड़ी ना इसको अलग से करना होगा। जब जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा हमारा, 125x + 120y, और यहाँ पे जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा, 750 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा जोड़ने पे, और ये 00 इसके लिए, तो ये हो जाएगा ये 00, जो कि समीकरण नंबर दो। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देख लीजिए सबसे ईजी तरीका, इस दोनों को नीचे लेकर आ जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस दोनों सवाल को अगर हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि इसमें गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, तो इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग इसको लिख देते पहले, तो इससे क्या होगा कि समीकरण जो है हमारा छोटा बन जाएगा,
ये जाएगा 115y, यहाँ जाएगा क्या 71950, ये क्या समीकरण नंबर एक। अब यहाँ पर देखिए माइनस कर दिया तो ये घटाने पर घटाएंगे तो हमारे क्या निकल करके आएगा, तो ये जाएगा 5x प्लस 5y और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3050, यानी यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से हो गया x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 3050। अब इससे कट जाएगा कितने बार में, तो 5×6=30 हो गया और उसके बाद फिर 10 बार में ही कटेगा, तो यहाँ से एक समीकरण और बन के आया हमारा x प्लस वाई बराबर 610। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग y का मान निकालते हैं तो क्या निकल कर आएगा 610 - x, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसको बैठाएंगे किसी एक में, वहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, सॉरी वहाँ से, हाँ इसको अगर किसी एक में बैठाएंगे तो वहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, x का मान निकल करके आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप वहाँ से इसका y का मान निकाल लीजिए, आपका ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको वो लोपर में तो सिखा ही दिया है फ्रेंड्स, तो ये सवाल फिर बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है, समझाने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा आगे नेक्स्ट, कि आप जो है क्या करें, इसके लिए होमवर्क हो जाएगा आपके लिए क्या, कि आप यहाँ से x और y का मान जो है आप निकाल करके रखिएगा। ठीक है, और आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उसे चेक करके आपको फिर मैं बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आपके लिए आज ये लास्ट सवाल था, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और कल आपका ये वीडियो का सॉरी आपका ये चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो कल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्लास करवाने वाला हूँ। ठीक है, बाय।